फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो इफ वी स्ट्रेस द थंब फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर और सेंट्रल फिंगर, वी कैन से इफ वी स्ट्रेस ऑल दीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया, ये आपका जो थंब है ऊपर की तरफ, ये आपका ये फर्स्ट फिंगर इधर तरफ और ये आपकी मिडिल फिंगर आपकी तरफ। तो इफ वी स्ट्रेस These थ्री पर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किस तरीके से कि दिस यू थम, इसे आप लिख लो सीधे थम में लिख दो F, इसमें लिख दो आपका मैग्नेटिक फील्ड B और ये हो गया आपका I। ध्यान रहेगा सभी को एफ बी आई, सभी को ध्यान रहता है एफ बी आई, तो मैंने लिख दिया यहां पर देखो एफ बी आई, ये हो गया हमारा F, ये है B और ये है I। तो यदि हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि आपके जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, जो आपका ये करंट मतलब ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर हमारी किस तरफ हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या हो गया? तो जो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द मूविंग चार्ज। तो थंब विल रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। ये देखो आपका एफ बी आई, कैसे इसे अप्लाई करते हैं? तो मैं कोई भी सपोज ये आपके यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है बेटा इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ध्यान रखना। यदि क्रॉस आपका दिया हुआ है तो क्रॉस का मतलब क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। डॉट बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है? आउटवर्ड। चलो ठीक, अब मैं इसमें कोई क्यू चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करता हूं इन दिस मैग्नेटिक फील्ड और आपसे बोला जाए कि इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसे पहले मैं लगाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो वी क्या होगा? तो वी क्रॉस बी कैसे निकालते? तो आपको बताया था कि राइट हैंड से हम निकालते हैं, पहले हम फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ कर देंगे, देन उसे कर्ल कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यहां पर, तो अब इसी बात इसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी, तो ये हो गया v क्रॉस b। अब मैंने हाथ को ऐसे किया तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आपकी अंदर की तरफ। तो फिंगर्स को कहां कर्ल करूं मैं? अंदर की तरफ। देखो फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल किया, देखो कहां पर आ गया आपका, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपवर्ड। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एफ बी आई, मैग्नेट करंट किधर है? करंट इधर है, ये हो गया करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपकी? देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, ये है अंदर की तरफ, तो देखो फोर्स किधर हो गया आपका? ऊपर की तरफ। किसी भी तरीके से आप अप्लाई करें आंसर आपका सेम आएगा। चलो इसकी जगह यहां पर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड ले लेता, सपोज मैग्नेटिक फील्ड हियर इज आउटवर्ड, चलो आउटवर्ड ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अब चार्ज पार्टिकल को इसमें हमने प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी के साथ। पहले हम निकालते हैं क्रॉस रूल के हेल्प से कि कैसे आप डायरेक्शन को निकालेंगे। तो वी क्रॉस बी, तो वी इधर है, अब मैं ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो देखो आपका थंब किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, एफ बी आई, आई तो इधर ही है, जिस डायरेक्शन में चार्ज प्लस चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी में आई हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? अब अंदर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसे मूव कराते हैं तो ये देखो ये आ गया, ये आपका करेंट
हो गया करेंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो देखो फोर्स किधर आया आपका, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप किसी भी तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप इनके क्वेश्चंस को करते हैं तो आप एक ही तरीके से डायरेक्शंस को निकालो, क्योंकि यदि आप एक ही तरीके से डायरेक्शन निकालोगे तो आप पर्टिकुलर वे में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना, तो फिर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना अच्छे से आना चाहिए, फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकालो हर जगह। आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, तो आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो और उसकी हेल्प से आप सॉल्व करो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।